तो लुट गए, हाँ लुट गए, तो लुट गए हम। निकाय चुनाव ने कईयों के मुंह गालते हवा कर दिए गुरु। भाजपा को झटका लगा तो कांग्रेस भी स्थितियों का जो फायदा उठा सकती थी ना, उसमें चूक सी गई। सिर्फ पार्टियों को ही नफा नुकसान नहीं हुआ भाई, बल्कि बहुतेरे नेताओं के आसमानी सुल्तानी वाले जाले भी साफ हो गए होंगे साहब। खासकर सत्ताधारी दल के वो बड़े वाले नेता जो अपने आप को मुखिया की कुर्सी पर ठसने के सपने बुने पड़े थे, और भैया मतदाताओं ने ऐसा ठेंगा ठोका कि ओ कुर्सी की दावेदारी तो छोड़िए, मुई अब जो हाथ में है ना उसे बचाने के भी बांधे पड़ गए होंगे। एक चर्चा थी जो जब देखिए तब गूंजने लगती। सत्ता में बदलाव की अटकलों में नए चेहरे के रूप में महाराजा साहब, तोमर दादा, बीडी भैया, हैंडसम बाबू का नाम गजब सरसर आता था। लेकिन वक्त देखिए, क्षेत्र में मतदाताओं ने गर्दा उड़ा मारा। सभी दावेदारों के धाक वाले क्षेत्र में परिणाम फुस्स से हो गए। ग्वालियर में महाराजा साहब के अरमानों की हत्या हुई तो मुरैना में मुन्ना बाबू हाँफ गए। वीडी भैया पर तो साहब वैसे पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी थी, लेकिन सब कुछ छोड़िए, बड़ी जिम्मेदारी वाले कटनी क्षेत्र ने ही छू कर दिया। हैंडसम बाबू का भी ग्वालियर में दबदबा था, लेकिन मतदाताओं ने हुतुतु कर मारा। मतलब सबके मुंह पर ताला ठोक दिया गया। कांग्रेस भी इन्हीं छत्रपों की चुटकी ले रही है। अटकले, हवाबाजी जो भी हो साहब, लेकिन शिव बाबू के विकल्प के तौर पर जितने उमड़े ना, ओ ऐसा लगता है कि सब एकदम नीचे वाली पायदान होती है ना, उस पर सटक से लिए।